एक गांव में वीरू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था, परंतु वह बहुत ही ईमानदार था। उसी जंगल में एक नाग रहता था। नागराज के पास बहुत सारा खजाना था। वह उस खजाने की देखरेख करता था। ओ भाग्यवान, ये सामान लो और कुछ खाने के लिए बना लो। ठीक है, अभी बनाती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। फिर वह दोनों खाना खा लेते हैं और फिर रात को पति अपनी पत्नी से कहता है, अभी तो हम जंगल की लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते हैं, पर धीरे धीरे जंगल की लकड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक करेंगे। फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। जंगल से लकड़ी काट कर घर आने में उसे देर हो जाती है। घर वापस आते समय रास्ते में उसे एक जख्मी सांप दिखाई देता है। पहले तो उसे देखकर डर जाता है, फिर जब लकड़हारे को पता चलता है कि सांप जख्मी है, तो लकड़हारा उसके पास जाता है। फिर वह देखता है कि सांप को चोट लगी है, उसके खून निकल रहा है, तो वह जंगल में जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे पीसकर सांप को लगाता है। थोड़ी देर बाद सांप ठीक हो जाता है। फिर लकड़हारा नागराज से पूछता है, ये चोट आपको कैसे लगी? फिर नागराज उसे बताता है, और सुबह जब मैं खाने की तलाश में बाहर निकला था, तभी अचानक से एक बाज पक्षी ने मुझ पे हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे जान बचाकर इस झाड़ी में छिप गया था। तुम्हारी इस सेवा भाव को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जो लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता हूँ। आज मुझे लकड़ी काटते हुए देर हो गई, तो मुझे रास्ते में आप जख्मी हालत में मिले। तुमने मेरी मुसीबत में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। नागराज उसे अपनी गुफा में ले जाता है। वहां पहुंचकर लकड़हारा बहुत हैरान हो जाता है, सभी जगह सोना ही सोना रखा था। फिर नागराज लकड़हारे से कहता है, तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर वह अपनी जरूरत के हिसाब से सोना ले जाता है। फिर वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है और उसे सोना दिखाता है। पहले तो पत्नी हैरान हो जाती है, फिर वह अपने पति से पूछती है, ये सोना आपको कहाँ से मिला? फिर लकड़हारा उसे पूरी कहानी बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों हर जरूरतमंद को मदद करने लगते हैं। उन्हीं के पड़ोस में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही ईर्ष्यालु था।
वह वीरू को इस प्रकार देखकर हैरान था कि आखिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया। ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो ये एक रोटी को तरसते थे, आखिर ये हुआ कैसे? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर अगली रात मोहन वीरू के घर में छुपके से देखता है कि वीरू के घर में कितना खजाना रखा है। तभी वह उस खजाने को चुराने की सोचता है और वीरू के घर के अंदर घुस जाता है। फिर वह वीरू के घर से खजाना चुरा कर ले जाता है। फिर वह घर पहुंचकर खजाने को देखता है तो उसमें से सांप निकलता है और फिर सांप मोहन से बोलता है, तुम बहुत ही लालची हो, ये खजाना मैंने उस गरीब लकड़हारे को उसकी ईमानदारी से घुसा कर दिया था, लेकिन तुम इसे चुरा ले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सांप उसे डस लेता है और वहां से चला जाता है।